सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए सीए कोर्स रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए। हमारे कम्युनिटी सेक्शन को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मिलेंगे आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले। हम रिवाइज करने वाले बेटा कौन सा ऐसे 505 नाम क्या है बेटा? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। पहली बात सर, इंपॉर्टेंट ऐसे है, जरूर पढ़ के जाएं और इसमें से टकाटक 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 क्वेश्चन बार बार लगातार आते रहते हैं। एक बार बेटा कर दो, जरा एक बार ताली वाला कर दो। ये ऐसे एग्जाम में आएगा 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 आएगा, बोलो आएगा। बस बेटा बस आ जाओ, अब रिवाइज करना शुरू करते हैं। बाहर वाले झांक रहे थे क्या आने वाला है। ओके लीजिए, तो सबसे पहला सवाल है कि भाई एक्सटर्नल कंफर्मेशन होती क्या है। तो सर ये लिखा उसका आंसर, हमने क्या करना है, ऑब्टेन एंड इवेल्युएट क्या इंफॉर्मेशन, कैसे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। एक बार और, ऑब्टेन एंड क्या बेटा, इंफॉर्मेशन, कैसे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन किससे, थर्ड पार्टी से। और जो इंफॉर्मेशन ले रहे बेटा वो किसके लिए, अबाउट अ पर्टिकुलर इफेक्टिंग अ असर्शन। ओके, भूलना नहीं सर, एक बार और, अभी मुझे आनंद नहीं आया बेटा इसके अंदर। आनंद आओ, हाँ जी शुरू करते बेटा। व्हाट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर अफेक्टिंग अ थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन, अच्छा जी, फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। लीजिए सर, पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा में ये बताना है भाई हम अपनी इस एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल कैसे बनाएं। बोलो बेटा क्या, कंट्रोल कैसे बनाएं। लो जी, कंट्रोल ऐसे बनाए सर, सबसे पहले कौन से आइटम्स के लिए क्या, हाँ जी कौन से आइटम्स के लिए, दूसरा क्या क्या, फिर किस से, प्रॉपरली डिजाइन करो, हाँ जी प्रॉपरली डिजाइन करो, एड्रेस करो और रिटर्न इन्फॉर्मेशन, और फिर भेजो और फॉलोअर, राइट, हाँ जी भेजो और फॉलोअर। लीजिए सर एग्जाम्पल, ओए होए ये तो बहुत आसान हो गया, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, हम लोग बैंक बैलेंस कंफर्म कर सकते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर लायबिलिटी साइड में जाऊं तो लोन हो सकता है, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी हो सकती है, और फिर फाइनली टर्म्स एक्सेट्रा हो सकते हैं, अकाउंट्स पेबल भी हो सकते हैं। लीजिए सर, फिर बच्चों ने एक चीज पढ़ी थी कि भाई मैनेजमेंट मना करे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मत लो, हम ऑडिटर है बेटा, हम अनस्टॉपेबल है, हम कौन है बेटा जल्दी बताओ। तो ऑडिटर क्या करेगा, हार मान जाएगा या ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे सारा कुछ समझ आएगा। ऑडिटर सर हमेशा क्या लेगा, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। लीजिए सर, और अगर सर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से वो सेटिस्फाई नहीं है तो ही विल मॉडिफाई हिज ऑडिट रिपोर्ट एज पर दी सर्कमस्टांस। लीजिए सर, फिर हमने बच्चों आज पढ़ा कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए, वाइल वर्ड बोलो, वाइल डिजाइन, 8 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों। सबसे पहले तो असर्शन, फिर रोमक, अरे बोलते जाओ, सबसे पहले क्या, फिर प्रायर एक्सपीरियंस, उसका गाना गाओ, कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, कैसे क्यों तुझको चाहे मैनेजमेंट यारा बता ना पाए, एबिलिटी, बहुत बढ़िया बच्चों। टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन, तुम मुझसे प्यार करती हो बताओ हाँ या ना, तुम मुझसे प्यार करती हो सिर्फ तभी बताना जब ना हो, नेगेटिव, क्लियर है सर मामला। रिलायबल ज्यादा कौन सी है, पॉजिटिव, फिर भी नेगेटिव भेजते हैं क्या, यस, टाइम काम, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, रोमम के चांसेस कम है, याद, ओके चलिए सर, अदर पॉइंट्स, नॉन रिस्पॉन्स और एक्सेप्शन, सेम चीज या अलग चीज, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का रिप्लाई नहीं आया, नॉन रिस्पॉन्स, अनडिलीवर्ड, नॉन रिस्पॉन्स, एक्सेप्शन, डिसएग्रीमेंट आ गया, डिफरेंस आ गया विद द इंफॉर्मेशन विच वॉज रिकॉर्डेड इन द क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी, तो बेटा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर सर अब एडिशनल ऑडिट प्रोसेस लगाएगा एंड ही विल ट्राई टू कंफर्म और डिस्पेल, इज दैट क्लियर, लीजिए सर। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगली वीडियो में रिवाइज करेंगे, 3 मिनट के अंदर सर पूरा ऐसे रिवाइज हो गया। सब बच्चे एक काम करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सर 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले इस चैनल के, जल्दी से करवा दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लंबे के साथ भरें मास्टर छुट्टी, और हाँ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। एक लड्डू को मैंने देखा यूट्यूब पे, उसने नए डायलॉग बनाया, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, मतलब बंदे कॉपी भी कैसे कैसे करते हैं, मैं देख के रहा हूँ ना, भाई बात तो सही लग रही है। चलो भाई, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।